देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोवेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में आज एएमआईएम के प्रत्याशी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बनभूलपुरा हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार तेज किया। वहीं प्रत्याशी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया, आज जिस प्रकार से उत्तराखंड बनने से अब तक भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने ही उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया है और बनभूलपुरा क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। अब कोई भी योजनाएं बनभूलपुरा क्षेत्र में नहीं मिल पाती हैं। सबसे बड़ी समस्या हल्द्वानी शहर की बेरोजगारी है, जिसको अभी तक किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया। हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा क्षेत्र में ट्रेंचिंग ग्राउंड, जो पिछले कई सालों से बीमारी का केंद्र बना हुआ है, सरकार के द्वारा उसको भी नहीं हटाया गया। लेकिन आज जिस प्रकार से लोगों का प्यार और स्नेह मुझको मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाली 14 फरवरी को मेरी जीत होगी और मैं जीतने के बाद विधानसभा के अंदर हल्द्वानी की जितनी समस्या है उसको उठाकर उसका पूरा करूंगा और अपने वादों पर खरा उतरूंगा। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। आज हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड को बने हुए लगभग 21 साल हो चुके हैं, 22वां साल चल रहा है। उत्तराखंड की अपेक्षाएं जो यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने की थी, दोनों ही सरकारें उसमें विफल रही हैं। चाहे उसमें बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों की समस्याएं, व्यापारियों की समस्याएं हो, छात्रों की समस्याएं हो या और अन्य समस्याएं हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लोग आज कहने पर मजबूर हैं कि इससे अच्छा तो हम उत्तर प्रदेश में थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की सरकारों ने, चाहे भाजपा की सरकार रही है चाहे कांग्रेस की, दोनों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। नेताओं का ज़रूर विकास हुआ है, लेकिन जनता का कहीं से कहीं तक कोई विकास नहीं हुआ। आज जनता तीसरे विकल्प के रूप में तलाश में है और ये जनता का प्यार है कि जनता ने हमसे बार बार कहा कि नहीं, आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। तो हमने निश्चित रूप से इस बार चुनाव लड़ने खड़े हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है, जो जनता का प्यार मोहब्बत मिल रही है, निश्चित रूप से इस बार जीत हमारी होगी। और ये बात तय है, जिस दिन हम यहाँ से विधानसभा पहुँचेंगे, जो स्थानीय समस्याएँ हैं कम से कम उनके लिए तो मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराया जाएगा। मंदिर में जाना चाहेंगे, 14 फरवरी को चुनाव होना, तो हमारे चैनल के अंदर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, हमारा यही कहना है कि अब सारी सरकारें और सारे प्रत्याशी आप देख चुके हो, बहुत लंबे समय, 21 साल का समय कोई कम समय नहीं होता है। सारे प्रत्याशियों को जो अब लोग चुन चुन कर गए हैं, सबको देखा है, सरकारें भी आपने देखी है। आज आप ज़रूरत इसी बात की है कि आपकी आवाज़ कौन मजबूती के साथ उठा सकता है, और जनता की समझ में ये बात आ रही है कि हमारी आवाज़ कौन उठा सकता है, हमारी समस्याएं कौन हल करा सकता है, हमारे क्षेत्र का कौन विकास करा सकता है। हमारे इतना बड़ा ये रेलवे का मुद्दा है, 2007 से लगातार रेलवे की तलवार लोगों के गर्दन पर लटक रही है। इतना बड़ा ट्रेंच ग्राउंड ये यहाँ पर बना दिया गया है, यहाँ के हज़ारों लोग सांस, कैंसर और टीबी जैसी बीमारी के शिकार हो चुके हैं और दिन पर दिन वो बीमार बढ़ रहे हैं। तो इन सब इन समस्याओं को लेकर तमाम बार आवाज़ उठाई जा सकती है चुकी है, लेकिन कोई भी विधायक या मंत्री विधानसभा में इस चीज़ को नहीं उठाता, न इस समस्या का कोई हल करता। तो हम यही कहना चाहते हैं कि तमाम समस्या ऐसी है, इस क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, कोई पार्क नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो आज ये जनता इस बात को जानती है और अन्य क्षेत्रों के लोग भी चाहते हैं कि विकास, हम भी उन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं के भाई भाई हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि भाई किसी क्षेत्र की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। भाजपा जहाँ नारा देती है सबका विकास सबका साथ, तो मैं नहीं मानता कि उनके नारे में कहीं दम है। बिल्कुल वो उनका नारा बेबुनियाद है और बिल्कुल झूठा नारा है। तो हमारा यही कहना है कि इस बार जनता का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है, निश्चित रूप से हम यहाँ से जीत कर जाएंगे और सब लोगों से अपील करते हैं कि 14 फरवरी को जो भी हमारे मिलने जुलने वाले साथी हैं या इस विधानसभा के जितने लोग हैं, वो हमारे संघर्ष को जानते हैं। हम चाहते हैं कि 14 फरवरी को सभी लोग पतंग का बटन दबाएं और अपने भाई अपने बेटे को कामयाब बनाएं, इस बार यहाँ से विधायक बनाएंगे, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं